कैसे सभी? ओके, अभी आपका म्यूट रखा। चलिए फिर, कैसे सभी? हेलो। बढ़िया सर। ओके, हेलो। राम राम सर जी। एक चलिए। हाफ सर्वे लेके गया हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा वैसे टॉपिक जो रहेगा सिर्फ रिवीजन रहेगा। जो भी आपका डाउट रहेगा वो आप क्लियर करना, और हमारा उसके बाद लास्ट में हमारा टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट से पहले मैं आपको कुछ जैसे फंकी कलर्स हो गए ये कैसे करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक तो अभी तक मैंने जिसको भी जितना भी पढ़ाया है, जिसको भी डाउट है किसी चीज का, तो वो चैट बॉक्स में बता सकता है। आज लास्ट क्लास नहीं है, आज हमारा रिवीजन क्लास है। जितना भी अभी तक पढ़ाया हमने उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, फिर अगले दिन आपका टेस्ट रहेगा। पीएस स्केल। ओके, पीएस स्केल को पहले हम कर लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब हमारा हेयर में ड्राइनेस आ जाती है, जब हम कलर यूज करते हैं या फिर ब्लॉन्डर यूज करते हैं या फिर स्मूथनिंग करवाते हैं, तो क्या होता है, बालों में ड्राइनेस आ जाती है। और आपने स्टार्टिंग से ये चीज भी सुना हुआ है कि हेल्थी चीजें खानी चाहिए। जितना भी ये फ्रूट होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल होते हैं, जितनी भी ये सब्जियां है, हरी सब्जियां होगी, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, ये चीजें खानी चाहिए। और जितना भी जंक फूड होता है, जैसे आपका बर्गर हो गया, पकोड़े हो गए, इस टाइप के, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे हेयर के लिए हेल्थी चीजें भी होती है और अनहेल्थी चीजें भी होती है। जो आपके फास्ट फूड वगैरह होते हैं ना, ये हमारे बालों के लिए एक तरीके से, जो ऐसा हमारा ब्लॉन्डर हो गया, स्मूथनिंग क्रीम होगी, ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमारे बालों के लिए जितना भी एक केमिकल होता है, यह हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। फिर भी हम करते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं कि हाँ आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, पर आपको ही पता है वो डैमेज करता ही करता है, कलर से बाल डैमेज होते ही है। तो इसके लिए कुछ जैसे हेयर स्पा होता है, कैरेटिन हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, जिससे क्या होता है आपका हेयर का पीएच लेवल बैलेंस रहता है। तो यहाँ पर आपको 0 to 14 तक आपको यहाँ पर स्केल मिलता है। स्केल से हेल्प से हम पता करते हैं, सेवन सेवन का मतलब होता है न्यूट्रन, जीरो टू 6.9
जीरो टू 6.9 हमारा होता है एसिडिक, 7.1 to 14 होता है एल्कलाइन, ठीक है, 0 to 6.9 होता है एसिडिक, 7.1 to 14 होता है हमारा एल्कलाइन। तो हमारा जो हेयर और स्कैल्प का पीएच लेवल होता है वो है 4.5 to 5.5। तो ये आपका अगर बालों का पीएच लेवल है तो आपका हेयर हेल्थी है। तो यहां पर हमारा ये पीएच लेवल नॉर्मल है, इतना पीएच लेवल आपका होना चाहिए। तो जितना भी आप, जैसे आप ब्लॉन्डर यूज करते हो तो ब्लॉन्डर का पीएच लेवल होता है 12, 14 भी मान सकते हैं, फिर 13 और 14 के बीच में। ब्लॉन्डर आपका क्या करता है, आपके बालों को डैमेज करता है, ड्राइनेस देता है। ब्लॉन्डर के बाद किसी के हेयर अच्छे तो होते ही नहीं है, और भी खराब ही होते हैं, ड्राइनेस आती है। तो ब्लॉन्डर का जो पीएच लेवल होता है वो ज्यादा ही एल्कलाइन की तरफ होता है, 12, 13, 14 इस टाइप का उनका लेवल होता है, ठीक है। और अगर मैं स्मूथनिंग क्रीम की बात करूं तो उसका भी आपका यही रहता है 10 to 11, ठीक है, या 12 तक आपका रहता है। अगर मैं कैरेटिन की बात करूं तो कैरेटिन जब आप बालों में यूज करते हो तो कैरेटिन से क्या होता है, आपके बालों में एक तरीके से साइन आ जाती है, स्मूथ हो जाते हैं बाल, डैमेज हेयर को भी वो रिपेयर कर देता है। वो क्यों करता है, क्योंकि कैरेटिन का पीएच लेवल आपका 3 to 4 होता है। तो कैरेटिन आपका क्या करता है, बैलेंस कर देता है आपके हेयर को। अगर आपका हेयर एल्कलाइन की तरफ है, आपने केमिकल यूज करा है, तो आप कैरेटिन करा उससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। वहीं पर जब आप शैम्पू यूज करते हो, जब मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपको प्योरिफाइन शैम्पू यूज करना है, तो प्योरिफाइन शैम्पू का भी पीएच लेवल 10 तक होता है, ठीक है। तो शैम्पू भी आपका एल्कलाइन ही होता है। जब भी आपने देखा होगा कि आप कभी शैम्पू यूज करते हो तो उसके बाद अगर आप कंडीशनर यूज नहीं करते तो बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करना होता है, ठीक है। तो कंडीशनर का पीएच लेवल भी आपका 3.5 to 4.5 ही होता है, वो भी आपका क्या है, एसिडिक होता है। वहीं पर अगर आप कुछ कैरेटिन के बाद सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करते हो तो वो आपका क्या होता है, पीएच बैलेंस शैम्पू होते हैं, उसका पीएच लेवल एल्कलाइन नहीं होता, उसका पीएच लेवल एसिडिक ही होता है, या 6 होगा या 7 होगा या 5 होगा, ठीक है। इस टाइप के उनके है जो पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है। जब भी हम कहते हैं कि कैरेटिन के बाद आप सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करें ताकि आपका जो कैरेटिन है वो बालों में से ना निकले। तो पीएच आपका यही काम करता है। जब भी मैं आपको बीच में कह रहा था ना, आपको सीलन केयर यूज करना है, तो सीलन केयर भी आपका पीएच लेवल बैलेंस करता है, बालों को रिपेयर करता है। आपको नंबर 2 जो आपका प्लेक्स होता है, उसका नंबर 2 जो आता है उसको आपको यूज करना है, वो भी आपका पीएच लेवल बैलेंस करता है। तो अगर आपने कोई केमिकल यूज करा है या फिर आपने कोई ब्लॉन्डर यूज किया है तो उससे आपका हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अगर आप उसी टाइम साथ के साथ रिपेयर कर दो उसे तो सही रहेगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ जने होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर 1 को ब्लॉन्डर के साथ करते हैं, ठीक है, नंबर 2 को लास्ट में करते हैं, सबसे लास्ट में जब आप कलर भी डिपॉजिट कर दोगे। तो आप खुद बताओ, अगर कोई बंदा मर जाएगा तो उसको जितना मर्जी दवाई दे दो वो आपका सही होएगा। तो आपने क्या किया, पहले आपने ब्लॉन्डर लगाया, ठीक है, ब्लॉन्डर लगाने के बाद आपका हेयर क्या हुआ, बीमार हो गया। अगर आप उसको साथ के साथ दवाई दे दोगे, ठीक है, उसका साथ के साथ ऑपरेशन कर दोगे, ऑपरेशन मतलब आप नंबर 2 अगर आप लगा दोगे तो आपका हेयर हेल्थी रहेगा। अगर आपने देर कर दिया और सोचोगे कि लास्ट में मैं लगाऊंगा तो वहां जब तक तो आपका हेयर ही मर जाएगा, ठीक है। फिर आप कुछ मर्जी देते रहो, उसके बाद तो काम ही नहीं करेगा, जिंदा ही नहीं होएगा बाल। तो इसलिए आपको नंबर 2 ब्लॉन्डर के बाद ही आपको लगाना है। ब्लॉन्डर लगाया, उसको रिंस किया, रिंस करने के बाद नंबर 2 लगाओ, नंबर 2 लगाने के बाद आप शैम्पू करो, उसके बाद सीलन केयर लगाओ, फिर उसके बाद आप कलर डिपोजिट करो।
पीएच लेवल कैसे पहचाने, पीएच लेवल का आपका जितना बालों में ड्राइनेस होगा उतना ही आपका पीएच लेवल हाई होगा, ठीक है, वो आपका एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। अगर बालों में स्मूथनिंग करवा रखा है आपका, एक तरीके से छू के ही पता लग जाता है कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा, अगर आपको लगेगा कि ब्लोंड बहुत ज्यादा हो रखा है, 10 लेवल तक लिफ्टिंग हो रखा है या फिर 8 लेवल तक लिफ्टिंग है, तो आप समझ जाना उनका पीएच लेवल 12 के आसपास जा चुका है, ठीक है, क्योंकि ब्लोंडर का पीएच लेवल क्या होता है, 12-13 होता है, तो ब्लोंडर आपका एल्कलाइन है, तो यहाँ पर आपको पीएच लेवल इससे पता चलता है। अगर स्मूथनिंग कराई है तो वो आपका पीएच लेवल 10 के आसपास होगा। तो जब भी बोला जाता है कोई भी आप केमिकल यूज करते हो तो आपको कंडीशनर हेयर स्पा जरूर लेना है, ठीक है, तो इससे आपका क्या होता है पीएच लेवल बैलेंस रहता है और बालों में ड्राइनेस नहीं आती। और आपने देखा होगा कि कभी भी स्मूथनिंग करवाते हैं या फिर कलर करवाते हैं उससे बाल, उसके बाद ना हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, वो हेयर फॉल नहीं होता, वो ब्रेकेज होता है, बाल बीच में से टूटता है। अगर आपने ये भी मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने पेड़ से कोई लकड़ी को तोड़ा है, ठीक है, पेड़ से कोई लकड़ी तोड़ दिया तो वो आपका कनेक्शन उससे क्या हुआ, पेड़ से हट चुका है, ठीक है। वहीं पर अगर आपने साफ के ऊपर काम किया है, साफ के ऊपर अगर आपने केमिकल यूज किया हुआ है तो उससे क्या हुआ, आपका हेयर एल्कलाइन की तरफ जा चुका है, तो अब उसको प्रोटीन भी तो देना है ना, आपने ड्राइनेस तो दे दिया, अब सूखी लकड़ी तो एकदम से ऐसे टूट जाती है, जल्दी टूट जाती है। वहीं पर अगर आप लकड़ी को गीला रखोगे तो वो टूटता है, नहीं टूटता, तो इसलिए आपको यहाँ पर बालों को भी मॉइस्चर देते रहना है ताकि आपका बाल टूटे ना। बालों को ड्राइनेस ड्राई छोड़ दोगे तो आपका हेयर टूटेगा ही, क्लाइंट को भी आप इस तरीके से समझा सकते हो, ठीक है। तो पीएच लेवल में किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ओके एक मिनट। चलो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जब आपके जो प्रोडक्ट होता है जैसे आपका स्मूथनिंग हो गया, उसके अंदर एल्कलाइन एजेंट्स होते हैं, ठीक है, एल्कलाइन एजेंट्स क्या करते हैं आपके बालों को ड्राइनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो सभी प्रोडक्ट का पीएच लेवल होता है, वो आपको देखो थोड़ी सी अपने आप से भी मेहनत करना पड़ेगा। वैसे मैं ये सारा कुछ डिप्लोमा क्लास में पढ़ाता हूँ, आपको वैसे ही पढ़ा दिया मैंने पीएच लेवल, ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। गूगल सर्च में आप जिस भी चीज का पीएच लेवल ढूंढोगे ना उसका पीएच लेवल मिल जाएगा, फ्रूट हो गया आपका, वेजिटेबल हो गया, एक एक चीज का आपका पीएच लेवल मिल जाएगा, आपका शैम्पू का पीएच लेवल, कंडीशनर का पीएच लेवल, शैम्पू का पीएच लेवल, ब्लोंडर का पीएच लेवल, सबका पीएच लेवल मिल जाएगा। आप अपने नोट्स बनाएं, सभी के पीएच लेवल लिखो, और मेन मेन चीजों का तो आपको पता होना चाहिए, जैसे सीरम का पीएच लेवल 5 होता है, कंडीशनर का 3-4 होता है, तो ऐसे ऐसे आपका हर एक चीज का पीएच लेवल तो पता होना चाहिए जो आप डेली में यूज करते हो, ठीक है, तो इसका तो आपको सभी का याद करना। कलर जो हम यूज करते हैं उसका आपका 8-9 होता है, तो किसी को कोई डाउट है पीएच लेवल में? पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए बताया ना मैंने आपको, अगर आपके हेयर में ड्राइनेस हो गया है तो आप यहां पर हेयर स्पा लो, ठीक है, हेयर स्पा का जो पीएच लेवल होता है वो 3-4 के अंदर ही होता है, आपका एसिडिक ही होता है, आप सीरम यूज कर सकते हो, ठीक है, आप पीएच लेवल बैलेंस जो शैम्पू होते हैं वो आप यूज करो। पीएच लेवल बैलेंस शैम्पू से क्या होगा,
सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू से आपका पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। तो आप ऐसे शैम्पू यूज करें, आप हेयर स्पा ले, आप कैरेटिन करो, सीरम यूज करो, तो उससे पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। सलमान खान जी बताए क्या आपका डाउट है, मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी सलमान जी बोलिए क्या डाउट है। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, तो किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकता है सिर्फ पीएच के अंदर। सर अभी आपने बताया ना कि पीएच कलर के बाद जो रिपेयर करते हो वो रिपीट बता दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी। रिपेयर करते वो हमारा नंबर टू है ना जो, उसको मैं बता रहा था कि उसको लगाना जरूरी होता है नंबर टू को, और आपका जो सीलन केयर हो गया उसको भी लगाना है आपको। सर नंबर टू को मान लो हमने वो हाइलाइट निकाली, हाइलाइट को रिंस कर दिया, फिर उसके बाद नंबर टू अप्लाई करना है। हाँ, पहले आपने जैसे ब्लॉन्डर लगाया, ब्लॉन्डर जब आपका लिफ्टिंग हो जाता है प्रॉपर, उसके बाद जब आप रिंस करते हो ना प्रॉपर रिंस करना है, शैम्पू नहीं लगाना अभी। ठीक है, शैम्पू लगाओगे तो और भी बाल ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ रिंस करना है, और ब्लॉन्डर सब बिल्कुल अच्छे से निकलना चाहिए, रिंस किया उसके बाद नंबर टू लगा। तो सर नंबर टू जस्ट लाइक मास्क ही होता है, तो उसके बाद डिपॉजिटिंग हमारी हो जाएगी, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आपको मास्क लगाने के बाद शैम्पू भी तो कर रहे हो ना सर, स्मार्ट बोन में भी ऐसा ही करना है, सब में उसको 10 मिनट छोड़ के फिर वो करना है ना शैम्पू से। हाँ, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दे दिया, अगर कोई बोलेगा ना कि हमें बाद में करना चाहिए क्योंकि हमने तो यहाँ पर शैम्पू कर दिया है, तो शैम्पू तो कर ही दिया है, तो हमारा नंबर टू का फायदा क्या हुआ, वो हमारा फायदा ये हुआ है कि हमने मरने से पहले बालों को पहले ही उसका ऑपरेशन कर दिया। जब बंदा तो मरी जाएगा, जब आपका हेयर मरी जाएगा तो ऑपरेशन का भी फायदा नहीं। ठीक है सर, ये प्रोसेस रिपीट कीजिए ना प्लीज। ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो, मैंने जो आपको प्रोसीजर बताया था, फर्स्ट आपको यहाँ पर हेड वॉश करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉन्डर की एप्लीकेशन करना होता है। आप हाईलाइटिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आपने ब्लॉन्डर की एप्लीकेशन किया, ड्राई बालों पे करना होता है। ठीक है, जब आप नंबर वन जब आप यूज करते हो, प्लेक्स जब आप यूज करते हो ब्लॉन्डर के साथ, तो उसका एक नंबर टू भी आता है। ठीक है, तो ब्लॉन्डर के साथ तो आपने नंबर वन यूज कर लिया, नंबर टू को आप कब यूज करोगे, जब आपका लिफ्टिंग प्रॉपर हो जाएगा। जैसे आपने 9 लेवल तक लिफ्टिंग करना था, वो आपका लिफ्टिंग मिल गया, उसके बाद आपको रेंज करना है प्रॉपर, अच्छे से ब्लॉन्डर को निकालो, बालों में ब्लॉन्डर रहना नहीं चाहिए। तो जब आपका ब्लॉन्डर प्रॉपर निकल जाएगा, उसके बाद आपको नंबर टू यूज करना है। नंबर टू को आपको 10 मिनट तक रखना है, और इतना आप यहाँ पर अगर आपने बैक कॉम्बिंग करी है तो बैक कॉम्बिंग को भी ओपन कर सकते हो, तो नंबर टू आपका बैक कॉम्बिंग को भी ओपन करने में हेल्प देगा। ठीक है, तो नंबर टू आपका क्या करेगा, पीएच लेवल बैलेंस करता है। उसके बाद आप रेंज करो, फिर आपको शैम्पू करना है, और शैम्पू भी कौन सा यूज करोगे, आपका जो आपका कलर वाले शैम्पू होते हैं ना, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, ठीक है, अलग अलग नाम से आते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका जो आपने मास्क लगाया था वो भी निकल जाए, और आप कह रहे हो कि कलर डिपॉजिट हो जाएगा कि नहीं, आराम से डिपॉजिट होगा। आप इसको करो और आपके बालों में ड्राइनेस भी नहीं मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ब्लॉन्डर के साथ आपने काम किया, ऐसा लगेगा कि आपने सीधा कलर ट्यूब के साथ काम किया, वो ड्राइनेस आपको नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, और शैम्पू के बाद भी सीलन केयर यूज करना है, और सीलन केयर करने के बाद आपको रेंस करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बालों को 50% ड्राई करने के बाद कलर को डिपॉजिट करना है, जो आप कह रहे थे ना टोनिंग क्या होता है, वही होता है टोनिंग, कलर को डिपॉजिट करना है। बाकी एक दो चीजें और होगी, ठीक है, वो मैं आपको आज नहीं बताने वाला,
थोड़ा आपको टाइम लगेगा उसमें, मतलब लास्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको जब हमारा टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले। फंकी कलर कैसे करना है ये सारा कुछ मैं आपको जब ही बताऊंगा करके दिखाऊंगा स्टैंड पे, ठीक है। पहले आपको लिफ्टिंग कैसे करना है, कितना लेवल लिफ्टिंग करना है, जो आप कलर बोलोगे वो कलर मैं डिपॉजिट करूंगा, सबका प्रोसीजर बता के जाऊंगा आपको। अगर आपको ग्रे हेयर आते हैं तो कैसे आपका प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, आज हमारा फिलहाल के लिए लास्ट रहेगा, उसके बाद आपका 5 दिन का ऑफ रहेगा। 5 दिन के लिए आपको क्या करना है, पूरा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया ना उसको दोबारा से रिपीट करना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप 5 दिन तक जितने भी वीडियोस है ना उसको रिपीट देखने के बाद आपको अब ज्यादा समझ आएगा, ठीक है, अब समझ आएगा और उसके अंदर से डाउट निकल के आएगी। अगर आपको सीखना है ना तो आप इस तरीके से करो, मैं 5 दिन की आपको गैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका एक एक डाउट निकल के आए, तो दोबारा से आप वीडियोस को देखो, दोबारा डाउट निकल के आएगा, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपका जो भी डाउट होगा वो भी हम क्लियर करेंगे और लास्ट में हमारा टेस्ट होगा। तो क्लियर है सभी को? 5 दिन का गैप है, हमारी क्लास होगा ये 10 के आसपास, ठीक है, 10 को होगा या फिर 11 को होगा। ओके, तो सभी को वीडियोस देखना दोबारा से और किसी को भी डाउट हो तो वो क्लियर करना। अब मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है तो किसी का कोई डाउट हो तो क्लियर करो। सर मेटल डीएक्स के बारे में बताइए। सर नोट्स कब मिलेगा? सर नोट्स आपको आपको पीडीएफ फाइल मिला है ना एक, और एक क्लास में भी आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम के बाद। सर नहीं नहीं, बीच में मिल जाएगा आपको। सर ये जो आपकी छुट्टी है ना इनके बीच में। सर सर मेटल डीएक्स के बता दीजिए ना। मेटल डीएक्स आपका क्या करता है, एक तरीके से आपका जब आपको कोई भी कलर एप्लीकेशन करना होता है जी तो सर। उसको पहले क्या करना है, मेटल डीएक्स को यूज करना होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके हेयर में आपने देखा होगा ब्रेकेज हो जाता है कलर से, तो एक तरीके से आपका ये पीएच लेवल को ही बैलेंस करता है, ठीक है। और दूसरा आपका इवन कलर आता है, कुछ ऐसा नहीं आएगा कि यहां से आपका कलर आया वहां से कलर नहीं आया, तो ये काम करता है मेटल डीएक्स। सर मेटल डीएक्स का स्प्रे होता है और शैम्पू होता है और एक कंडीशनर होता है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। स्प्रे कब करना चाहिए सर जी? पहले करना है, कोई भी चीज आप करते हो ना कलर वगैरह उससे पहले करना, फिर बाद में एप्लीकेशन करना। ब्लॉन्डर के पहले करना है ना? बिल्कुल पहले करना है सर जी। एक ओम्ब्रे कोम्ब्रे जो इनकी टेक्निक है आप एक बार बता सकते हो? ओम्ब्रे ओम्ब्रे आपका जो होता है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा वो नीचे नीचे रहता है। अच्छा वो ओम्ब्रे में आ गया। हाँ जब जब आपका हाफ से नीचे नीचे जो आपका रहता है ना 4-5 इंच का जो हेयर होता है उस पे सिर्फ कलर रहेगा तो वो आपका ओम्ब्रे में रहेगा, और ओम्ब्रे का जो कलर होता है वो आपका लाइट रहता है, 9 लेवल 10 लेवल का जो भी कलर होता है उस लेवल का कलर रहता है ओम्ब्रे। सोम्ब्रे आपका सेम वही रहता है, सोम्ब्रे में आपका सिर्फ डार्क कलर ऐड हो जाता है, जैसे 6 नंबर का 5 नंबर का रेड जो कलर होते हैं तो इस टाइप का कलर हो जाता है। ओम्ब्रे ज्यादा अल्ट्रा लाइट होता है और सोम्ब्रे थोड़ा डार्क में है। अब बिल्कुल, अब ओम्ब्रे सोम्ब्रे छोड़ दो, बस आपको टेक्निक देखनी है, समझना है और अपना कलर रिपीट मतलब स्टार्ट कर देना है। जो चीज मैंने बोला आपको बैक कॉम्बिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप ओम्ब्रे कर रहे हो चाहे आप सोम्ब्रे कर रहे हो, जो भी टेक्निक कर रहे हो बैक कॉम्बिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल किसी को भी वो स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, चाहे वो आपका हाईलाइटिंग है कुछ भी चीज है, ठीक है, वो आपको बस फॉलो करना। और दूसरा आपको ये चीज देखना है क्लाइंट का कलर कहाँ है, ठीक है, क्लाइंट जो कलर चाहता है वो किस एरिया पे है, रूट से पास से है या फिर नीचे नीचे कलर है, उस चीज को देखो और अपने आप से कुछ भी क्रिएट करो। ओके सर, आपने बोला था कि वो कलर बनाना सिखाएंगे, मतलब कलर बनाना बताऊंगा मैं।
कलर बनाना सर, कुछ ना हो कलर कैसे, आप कुछ बोलते रहते हैं सर। हाँ बूस्ट कलर मैंने बोला था ना, बूस्ट कलर के आपके साथ आप आपस में मिक्स करके कलर बना सकते हो। मैं प्री टोनिंग के बारे में बताऊंगा आपको, जब आपके पास वॉलेट शैम्पू नहीं होता, जब आपके पास जैसे ब्लू शैम्पू नहीं होता उसको कैसे। हाँ, सर, इसका बताओ मैं सर जी, बिल्कुल बताऊंगा, ये पर लास्ट में बताऊंगा मैं, फिलहाल अभी नहीं। सर जी जो आप मतलब इसकी क्लास देने के बाद आप जीके की क्लास भी दे सकते हो गुरु जी। जीके की नहीं, फिलहाल मैंने काम ही नहीं करा उसके साथ। अच्छा, अब बोलिए गुरु जी, बॉन्ड्स के बारे में बता दीजिएगा। किसके बारे में? बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स हमारे ये तो मैंने आपको बताया तो था शायद आपको पहली क्लास में था, कलर साइंस। तीन बॉन्ड्स जो होते हैं उनके बारे में सर। तो वैसे हमारा बॉन्ड्स का कोई काम नहीं है वैसे। जो आप कौन सी क्लास में हो, डिप्लोमा में हो या फिर कलर में हो अभी? कलर में, कलर में, कलर में हो तो वैसे डिप्लोमा में पढ़ता है। हमारे तीन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉल्ट बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो तीनों बॉन्ड्स का अलग काम होता है, उसके लिए पूरा मुझे समझाना पड़ेगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, समझा दीजिए। हेलो, नहीं अभी आपका जो अभी तक पढ़ा है ना उसके अंदर डाउट हो तो पूछिए, वो आपका टोपी कलर से नहीं है। कलर का टोपी कलर हो गया, वो कौन सा है सर? थोड़ा बोल गए सर, अभी बोर्ड पे बता सकते हैं। हेलो सर, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होता है वो? नहीं, वो डाइसल्फाइड को मालूम है उनके बारे में। ओके, मैंने ना वीडियोस बनाया हुआ इसके ऊपर, एक बार आप उसको भी देखना तो क्लियर हो जाएगा। बहुत डिटेल में वीडियोस बनाया मैंने वो, ठीक है, यूट्यूब पे है। तो सर, आपने बालियास टेक्निक के बारे में बताया था ना? हाँ जी, बालियास टेक्निक जैसे कल आपने बी शेप और ए शेप में बताया, तो बस इतना ही होता है क्या बालियास, उसी को बोलते हैं बस, या फिर और भी बहुत सारे? हाँ जी, इसी को ही, सिर्फ आपका ये तीन ही टेक्निक होती है, ठीक है, और कुछ भी आपको टेक्निक नहीं करना। जो आपकी एप्लीकेशन की टेक्निक होती है ना, वो यही तीन रहती है, उसी में आपको बस इधर उधर चेंज करते रहना। और सर ये बालियाज हो गया, फॉलियाज एक बोल रहा था फॉल के साथ करने का, और ये अभी वो क्या है सर? आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। हेलो, 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 हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक क्लाइंट का कलर करना था 4 नंबर का, गार्नियर का, तो 3 नंबर का गलती से हो गया था, अब उसको कम कैसे हो, ब्लॉन्डर से कम हो जाएगा? 4 नंबर का कलर करना था, 3 नंबर का हो गया वो? जी जी, आप ऐसा कह रहे हो, डार्क हो गया वो? ओके, अब आप उनको लाइट करना। हेलो, क्लींजिंग रिंस सिर्फ ब्लॉन्डर पे काम करता है। आप अगर करना ही है आपको 4 नंबर तो आप कर सकते हो, पर आपको क्लींजिंग रिंस करना पड़ेगा, वहां पर आपको ब्लॉन्डर यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है, वो आपको ध्यान से करना है, आपका ज्यादा लिफ्टिंग ना हो, ठीक है। क्या कहा सर आपने? क्लींजिंग रिंस करना है, जो आपको मैंने सिखाया है ना, आपको ब्लॉन्डर लेना है, आपको वार्म वाटर लेना है, उसको आपस में मिक्स करना है 1:3 के साथ। ओके, पढ़ा हुआ है वो आपने? हाँ 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 हाँ, वो वाला आपको टेक्निक करनी है। बाकी उनको बोलो कि थोड़ा सा वेट करो, आपका ये आप जब वॉश करोगे ना तो आपका ये 4 नंबर पे ही पहुंच जाएगा, तो ऐसा कह देना उनको, क्योंकि अच्छा, आप अगर ऐसा करोगे ना उनके हेयर में ड्राइनेस कम ही हो जाएगा ना सर। हाँ, उनको ऐसा कह दो, और अगली बार पर 4 नंबर का करना है, ठीक है। कौन सा यूज किया था आपने कलर ट्यूब? गार्नियर का सर, गार्नियर का। पता है मुझे गार्नियर का 4 नंबर भी ना ऐसा लगता है 3 नंबर का किया, और आपने 3 नंबर का किया था ऐसा लग रहा होगा जैसे 1 नंबर का कर दिया। तो गार्नियर का कलर मैंने आपको समझाया भी हुआ, मैंने गार्नियर का समझाया था ना आपको कि 4 नंबर का कलर भी करोगे तो ऐसा लगेगा 3 नंबर का किया है। सर ये जो गलती से कलर किया था, ये तो क्लींजिंग रिंस से ठीक हो जाएगा ना, जो आपने बताया था 3 दिन पहले आकर? हो जाएगा, हो जाएगा। हेलो, पर ना
वो जो 3D बीन्स होगा तो ब्लेंडर से जो हम लोग वार्म वाटर मिक्स करेंगे तो वो तो वो क्या स्कैल्प में दे सकते हैं, स्कैल्प से एकदम अप्लाई हो सकता है क्या? हाँ कर सकते हैं। तो ठीक है, और अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था बोलिए, अब कोई लड़की थी जो बोल रही थी। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जैसे बालों में हमने कलर किया है फिर उसके बाद हमने शैम्पू कौन सा करना है जो कि ज्यादा टाइम के लिए स्टे करे? कलर प्रोटेक्शन शैम्पू करना है। तो इसमें मतलब लॉरियल या कोई और मतलब है? लॉरियल का भी कर सकते हो आप, ठीक है, आप यहाँ पर वेला का भी ले सकते हो, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसी कंपनी का लो, कोई भी कंपनी का लो, ठीक है, सभी ब्रांड के अंदर आता है। अच्छा जी ठीक। और मास्क जरूरी होता है सर इसके लिए? फिर बिल्कुल जरूरी होता है। मैं मास्क का जो पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है, सिर्फ अगर आप शैम्पू शैम्पू यूज करोगे तो वहां पर बालों को प्रोटीन नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो आपको मॉइस्चर जरूर देना है, तो आपको मास्क जरूर यूज करना है। ओके सर। और बीच बीच में हेयर स्पा भी करना है, कैरेटिन भी अगर लेना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके सर। सर बोल रहा हूँ जैसे कि ब्लॉन्डर के बारे में आपने बहुत सारा बताया, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है सर, सॉफ्ट ब्लॉन्डर है, फिर बहुत सारा ब्लॉन्डर है सर, तो उसका उसको सर एक बार थोड़ा बताइएगा तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जा रहे हैं बहुत सारे। बहुत सारे ब्लॉन्डर नहीं है, सिर्फ दो ही ब्लॉन्डर है, ठीक है, ब्लॉन्डर सिर्फ दो ही है, एक है हमारा सॉफ्ट ब्लॉन्ड, एक है हमारा मल्टी ब्लॉन्ड, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। स्पेशल ब्लॉन्ड बोल के है और भी है बहुत सारे। वो तो कलर ट्यूब हो गया ना आपका, वो तो कलर ट्यूब के अंदर आ जाता है, वो ब्लॉन्डर थोड़ी ना है। सर हेलो सर, थोड़ा पार्ट करके बता दीजिए सर। ओके मैं बता देता हूँ एक बार। क्लींजिंग कितने दिन में करना है सर? वो जल्दी से जल्दी तीन दिन के अंदर। तो ब्लॉन्डर आपका एक बार म्यूट कर देता हूं, तो ब्लॉन्डर आपके पास ज्यादा थोड़ी ना है, आप कह रहे हो सिर्फ दो ही ब्लॉन्डर होते हैं, वेला ने बस अलग अलग बना दिया, जैसे इन्होंने बना है एक ब्लॉन्डर जो मल्टी ब्लॉन्ड है, ठीक है, दूसरा इनके पास सॉफ्ट ब्लॉन्ड है, तीसरा एक और है वो मल्टी ब्लॉन्ड ही है, बस उसके अंदर प्लैक्स डाल दिया। अगर आपके पास प्लैक्स नहीं है, नंबर वन नहीं है, तो आप ऐसा ब्लॉन्डर यूज कर सकते हो जो प्लैक्स है, ठीक है, प्लैक्स के नाम से आता है, तो ब्लॉन्डर तो आपका वही होगा ना, मल्टी ब्लॉन्ड, ठीक है, बस आपका जो प्लैक्स है वो आपका ज्यादा लिफ्टिंग करता है। सभी ब्लॉन्डर जितने भी ब्लॉन्डर है ना वो 7 लेवल तक लिफ्टिंग करता है, अप टू 7 लेवल तक लिफ्टिंग करता है, पर अब जो ब्लॉन्डर आ रहा है वो आपका 8 या 9 लेवल तक भी लिफ्टिंग कर देता है, बस लिफ्टिंग का फर्क है और कुछ नहीं है, और किसी के अंदर प्लैक्स है, किसी के अंदर सॉफ्ट ब्लॉन्ड है। सॉफ्ट ब्लॉन्ड क्या करता है, वो आपका एक तरीके से सॉफ्ट होता है, उसमें एल्कलाइन एजेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, जैसे आपका मल्टी ब्लॉन्ड का पीएच लेवल 12 to 13-14 है तो वो आपका कम हो जाएगा, 11-12 हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका फर्क रहता है। और कुछ इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स क्या करता है आपका बालों में क्या करता है, स्मूथ करता है, ड्राइनेस नहीं आने देता, और आप इसको स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हो, नाम से पता चल रहा है सॉफ्ट, तो आप इसको स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हो। हाँ जी, और कुछ डाउट है किसी का पूछो सर, मतलब कि ब्लॉन्डर जो है कि स्कैल्प में सिर्फ सॉफ्ट ब्लॉन्ड ही यूज होगा और कोई ब्लॉन्ड? हाँ, अच्छा यही रहेगा कि आप सॉफ्ट ब्लॉन्ड यूज करें, ठीक है, बाकी आप वाला कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ब्रांड कहता है, पर अगर आप सॉफ्ट ब्लॉन्ड करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। सर लॉरियल ब्रांड में 20 वाले के साथ 20 वाले के साथ भी डिपॉजिट कर सकते हैं ना?
बिल्कुल सिर्फ 20 या 10 वॉलिंग के साथ आप कर सकते हो, आपको 30-40 नहीं करना। सर लॉरियल के भीतर कोई ऐसा ब्लॉन्डर नहीं है जो स्कैल्प में यूज हो पाए? हाँ है तो सही, मैंने आपको बताया तो था, आपके आप जो पीडीएफ फाइल है ना उसको आप पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर अच्छे से, ठीक है, उसमें देखो आपको मल्टी स्टूडियो। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा एग्जाम कुछ ऐसा सीन? देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हमारा जो क्लास होगा ना, अब देखो पास तक सभी हो ही जाओगे, ठीक है। दूसरा एक चीज और बता रहा हूँ मैं, हमारा ये क्लास दोबारा से रिपीट होएगा 15 तारीख से, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी डाउट है, दोबारा से क्लास को ज्वाइन करना है, कुछ भी होता है, 100 सीट हमारी रहती है, ठीक है, हर बार 100 सीट रहती है। तो 100 सीट में से अगर हमारी सीट बचता है, जैसे हमारा 60 सीट हुआ, उसके बाद 40 सीट बच रही है, तो जिसको भी दोबारा से क्लास ज्वाइन करना, अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना है, अगर ज्वाइन करना है तो ऐसा नहीं कि आपने हाँ कह दे कि मुझे दोबारा से ज्वाइन करना और उसके बाद ज्वाइन नहीं करना, वरना आप वीडियोस को देख सकते हो, वही रिपीट हो रही है क्लास हमारी, ठीक है, आप वीडियो के साथ देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है। पर अगर आप सच में दोबारा से रिपीट देखना चाहते हो क्लास को, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो हमारी ये क्लास दोबारा से रिपीट होगा 15 के आसपास, टाइमिंग हमारा सेम रहेगा, और हमारा डिप्लोमा क्लास स्टार्ट होगा, वो डिप्लोमा क्लास जो होगा हमारा वीक में 3 दिन होए करेगा, ठीक है। टाइमिंग उसका रहेगा 8:30, अगर आपको डिप्लोमा क्लास ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और कलर का क्लास रहेगा हमारा 10 से 11 या 11:30। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो दोबारा से, 15 तारीख से स्टार्ट होगा, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। उससे पहले मुझे आपका टेस्ट भी लेना है, दोबारा से आपको समझाना भी है, बहुत सारी चीजें आपको करना है, आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक चीज जो भी डाउट रहेगा आप क्लियर कर सकते हो, एस कलर कैसे करना है, फंकी कलर कैसे करना है, वो चीज हम अभी करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको गैप दूं, क्योंकि इतना सारा टॉपिक हो चुका है, मुझे लगता है आपको दोबारा से वीडियोस देखना चाहिए, तो आप दोबारा से वीडियोस देखो, अगर आप देखोगे तो ही आप सीख पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि 5 दिन का मैंने गैप दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो आप उसको आपके लिए ही दिया है, आप उसको दोबारा से रिपीट देखो, और जो भी डाउट रहेगा तो आप उसको क्लियर करना, वरना एस कलर कैसे करा है, जो आपका फंकी कलर है, क्रेजी कलर है, ये कैसे करा है, प्री टोनिंग क्या होता है, ये कुछ भी समझ नहीं आने वाला वरना, तो आप इसको दोबारा से रिपीट देखना सभी के लिए। दस तारीख को होगा ये सभी क्लास, फंकी कलर, क्रेजी कलर और ये सब कुछ, पूरा फाइनल डेट नहीं है 10 को होगा या 11 को होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। सर हेलो, हाँ बोलो। हेलो सर, आपने डिप्लोमा क्लास तो 10 का टाइम बताया था। डिप्लोमा क्लास जो रहता है हमारा 3 दिन रहता है हमारा, ऐसा नहीं कि रेगुलर रहेगा। तो हमारा अगर 8:30 बजे का क्लास रहेगा ना वो, तो हमारा 3 दिन का रहेगा, वरना आपका ये 10 से ही रहेगा। तो वो हमें अभी देखना है कि कैसे करना है। आपने डिप्लोमा क्लास ज्वाइन करा है? हाँ सर, मैंने डिप्लोमा क्लास ज्वाइन किया है, बट सर मेरा टाइमिंग 8:30 का पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं सैलून में रहता हूँ ना, 10 बजे का पॉसिबल हो जाता, क्लाइंट रहते तो 8-9 बजे तक, 10 बजे तक हो जाते क्लाइंट सर, उसके बाद क्लाइंट नहीं आते ना। ओके, वो हम देखेंगे कैसे करना है आपका टाइमिंग वगैरह भी, ठीक है सर। डिप्लोमा का क्लास नहीं रखना सर। हाँ जी, 8:30 बजे नहीं रखना, क्लास का फीस कैसा है सर? ओके, मैं 8:30 नहीं रखूंगा। आप क्या कह रहे हो, आप क्या पूछ रहे थे? सर पूछ रहा हूँ कि डिप्लोमा क्लास का सर जो फीस होगा, जैसे कि मैंने तो कलर का क्लास ज्वाइन किया, तो फीस का कैसा है, क्या है? तो डिप्लोमा का क्लास का आपका 4500 रहेगा, सिर्फ आपके लिए रहेगा, जो कलर की क्लास ज्वाइन किया है अभी, सिर्फ उनके लिए रहेगा, और वो भी जब तक रहेगा जब तक हमारे कलर का क्लास चल रहा है। अगर हमारे कलर का क्लास खत्म हो चुका है
उसके बाद दोबारा से सेशन 9 स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा डिप्लोमा क्लास जब भी स्टार्ट होगा उससे पहले पहले आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद नहीं। उसके बाद करोगे तो आपका वही 6000 में जाता है। सर मैंने भी डिप्लोमा क्लास ज्वाइन कर रखी है, तो इसमें सर ये बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं डिप्लोमा क्लास में। सिलेबस सेंड तो किया हुआ है मैंने आपको, सारा सिलेबस सेंड है, ध्यान देखा है मैंने सर ने। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी रिवीजन लीजिए, ये सवालों में टाइम वेस्ट। पूछिए आप, पूछिए क्या पूछना है, जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ उसके अंदर पूछिए। सारे चीजें ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, उसमें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जितना अभी मैंने पढ़ाया सिर्फ उसके लिए। ऐसे तो बहुत सारी चीजें है। हाँ बोलो सर। जैसा कि मैंने चैट में पूछा था कि जो चीजें अवॉइड करनी है स्कैल्प पे, उनकी कोई लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज। आप बोलिए, आप बोलो बोलो। और स्कैल्प हमें यूज नहीं करना है, जो प्रोडक्ट जो अवॉइड करने हैं वो बता दीजिए प्लीज। स्कैल्प पे नहीं यूज करना, आपको 30 और 40 वॉल्यूम स्कैल्प पे यूज नहीं करना है। ओके, बाकी सब चलेगा। ओके, बाकी सब चलेगा। आप 10 वॉल्यूम से कर सकते हो, 20 वॉल्यूम से कर सकते हो। बाकी आपका जो भी ब्लॉन्डर होगा वो आपका 10 और 20 के साथ जाएगा। और आपको कोई भी स्कैल्प पे यूज 30 या 40 वॉल्यूम यूज नहीं करना है। दूसरा आपका जो मैग्मा था ना, मैग्मा मैंने आपको बताया था, वो भी स्कैल्प पे यूज नहीं करना है जी। 30-40 और मैग्मा। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। स्कैल्प एडवांस के बारे में बताइए, क्या पूछना है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें ना, आप अभी वो पूछे, मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। सर वो पूरा जने क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे उसमें, उसमें क्रीम वगैरह, डैंड्रफ ट्रीटमेंट वगैरह। डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स पे आ गया। कलर के अंदर आप पूछिए ना, आप लॉरेल का पूछ रहे हो ना, स्कैल्प एडवांस वाला। हाँ सर। हाँ तो वो आपका अलग टॉपिक हो गया ना बिल्कुल ही। और सर एक क्वेश्चन था कि किसी क्लाइंट को बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और अपने को रूट टचअप देना है, तो फिर क्या। क्लाइंट को अगर डैंड्रफ है तो अगर आप रूट टचअप दोगे, अगर क्लाइंट ग्रे हेयर कवर करवाना चाहता है, अगर उनको पसंद ही नहीं है ग्रे हेयर तो वो रूट टचअप तो लेगा ही ना। और डैंड्रफ अगर उनको है तो आप डैंड्रफ जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना तो वो आप कर सकते हो। जैसा आप स्कैल्प एडवांस कह रहे हो ये यूज कर लो, चाहे आप और भी स्कैल्प स्क्रब आता है उस टाइप के आप यूज कर सकते हो। सर उसमें डेंटल ट्रीटमेंट सेल्फ दे रही है या कलर सेल्फ दे रही है ट्रीटमेंट में। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप। डेंटल ट्रीटमेंट कलर के उसमें बिल्कुल कर सकते हो। पहले डेंटल ट्रीटमेंट देंगे या कलर देंगे। पहले कलर दोगे आप, उसके बाद आप डेंटल ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। फर्स्ट कलर रहेगा, उसके बाद ट्रीटमेंट रहता है आपका। अगर आपने पहले ट्रीटमेंट कर दिया तो आप अगर आप कलर करोगे तो वहां पर आप मास्क वगैरह भी तो यूज करोगे ना, तो बालों को सॉफ्ट कर रहे हो, उसका पीएच लेवल बैलेंस करते हो। तो आप कलर उसके बाद करोगे तो वो आपका पीएच लेवल एल्कलाइन पे चला जाएगा, तो इसलिए आप बाद में हेयर स्पा करो। और हेयर स्पा जब आप करते हो कलर के बाद तो स्टीम मत देना, अगर आप स्टीम दोगे तो कलर लाइट हो सकता है। हेलो सर। हेलो बोलो सर। कल हम लोग ने जो भी हाईलाइट टेक्निक सीखा तो उसका लुक कैसा आएगा, पिक्चर सेंड कर देंगे सर। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक्सटेंड करने वाले थे कि बालाज के साथ ये टेक्निक के साथ ऐसा रिजल्ट आएगा और भाल वो टेक्निक जी सर, के साथ एक दो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, मैं वीडियोस भी शेयर कर दूंगा और कुछ फोटो सेंड कर दूंगा। एक बार ना मैसेज भी डाल देना ताकि मुझे याद रहे। सर आपने वो यूज किए वो बीबी कोस के प्रोडक्ट, कलर्स होते हैं इसके। देखो मैंने सुना, मैं सोच रहा हूँ उसको भी करने की, तो जब करूंगा आपको बताऊंगा, ठीक है। उसकी भी आपका फिर आ जाएगा बहुत ज्यादा। उसके वो दो शेड, हाँ मतलब शेड अच्छे हैं एक्चुअली।
मतलब बहुत सारे क्लाइंट है जो जिनके मतलब इचिंग बहुत होती है, बहुत इचिंग होती है। हेलो समझ गया मैं, वो बहुत ज्यादा चल रहा है, उसकी मैं क्लासेस लेके फिर आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, जब मैं उसको यूज करने लग जाऊंगा सर। ठीक है सर, बहुत अच्छे शेड आ चुके हैं उसमें भी वेला की तरह सर। ये सर बोलो सर, ये केराटिन के पीएच लेवल कितना रहता है? देखो अलग अलग केराटिन का अलग अलग रहता है, आप इसको 2 से लेके 4 तक मान सकते हो, 3 to 4 भी हो सकता है, 2 to 3 भी हो सकता है। जैसे मैं जीके के कितने रहते हैं? जीके के तो बहुत वो है ना, चला हुआ है। हाँ तो आपका ये चला हुआ, ये आपका रह सकता है 2 से 3, 2 से 3 भी नहीं, 2.5 से 3.5 मान सकते हैं, 2 भी ज्यादा होगा। हेलो सर। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था डिप्लोमा में से क्या क्या टॉपिक रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, हेलो, सिलेबस मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, अभी कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ जी हेलो सर, बोलो सर। ग्रुप में मैंने 2 फोटो सेंड किया है, उसमें जो मतलब लड़की का जो कलर किया हुआ है सर, वो कैसे करना है सर, एक बार बता सकते हैं क्या? अभी किया, जस्ट अभी किया। ओके देखो, जो आपने नीचे की तरफ किया है, जो आपने एश कलर टाइप का है जो ये, ठीक है, इसको तो आपने देखा कि सिर्फ ये नीचे नीचे कलर ज्यादा है, आप देख रहे होगे। तो ये जो कलर है आपका ऊपर की तरफ से, तो आप इन्होंने क्या किया, बैककॉमिंग करा है प्रॉपर, ठीक है, सिर्फ नीचे नीचे इन्होंने कलर किया हुआ है, और ऊपर इनका क्या है, सरफेस रहेगा और नीचे इनका सैचुरेट रहेगा, तो आपने देखा होगा ऊपर तो कलर बिल्कुल भी नहीं है। जी सर, ठीक है, तो ऐसे आप टेक्निक कर सकते हो। और दूसरा आपका जो कलर है, ये क्या हुआ है, वो कौन, कितना नंबर है वो, मतलब वो कैसे मेल्ट किया हुआ है, जो नीचे का कलर थोड़ा लाइट में है, ये थोड़ा डार्क है, ये ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम थोड़ा लाइट में लास्ट में करेंगे, अभी आप फिलहाल जो वीडियोस है वो देखना, ठीक है, ये सारा कुछ पे हम बात करेंगे। हाँ जी, अभी कोई पूछ रहा था बीच में। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। हेलो, हाईलाइट टेक्निक के अलग अलग, हाईलाइट टेक्निक के अलग अलग सेक्शनिंग टाइप बताइए बोर्ड पे सर, जो हाईलाइटिंग का अलग अलग सेक्शनिंग के टेक्निक्स बताइए, सेक्शनिंग। आपने आपने कल ज्वाइन किया था क्लास? हाँ हाँ कल किया था, कल के सेक्शनिंग मैंने नोट डाउन कर लिए। हेलो सर। हाँ, तो 2-3 टेक्निक तो हमने नोट डाउन कर लिए। हाँ जी, फिर और नहीं है क्या सेक्शनिंग के अलग अलग टाइप्स? उसी के अंदर आपको कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ना, आप उसमें फाइन वेव के साथ कर सकते हो, उसमें आप बड़े बड़े वेव के साथ कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर आप खुद से चेंज करो वेव। आप स्कैल्प में अलग अलग सेक्शनिंग भी होता है ना सर? स्कैल्प पे सिर्फ रहता आपका डायगोनल सेक्शन रहेगा या फिर हॉरिजॉन्टल सेक्शन रहेगा, और कैसे रहता है, या फिर आपका जिगजैग रहता है, उसके अलावा तो कोई सेक्शन नहीं रहता। सर बोल रहा हूँ कि सर ये क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिप्लोमा क्लास? सर डिप्लोमा क्लास आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, मैसेज कर लेना, अभी कुछ कैरियर से आप सर कौन सा नंबर में कॉल करने हैं? आपको उसी नंबर पे करना है, 70 जो ग्रुप के अंदर है ना, उसी नंबर पे। सर हाँ बोलो सर, आपके ना यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं है, वो बॉन्ड्स वाली। बॉन्ड्स वाली वीडियोस होगा सर, मैं अभी चेक वही चेक कर रहा था, मेरे को तो नहीं दिखा रहा। हेलो सर। हाँ जी बोलो सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो जो फोटो मैंने भेजा था, एक रेड कलर में एक जो फोटो भेजा है ना सर, उसका पूरा ग्लोबल शायद 9 या 10 लेवल का कलर किया हुआ है, पूरे हेयर पे रूट से लेके एंड तक। कहाँ पर भेजा आपने, कौन से ग्रुप में भेजा? ग्रुप में अभी जो जिस ग्रुप में आपने फोटो देखा ना, फिर से सेंड कर दे रहा हूँ, एक मिनट। वो सॉफ्ट टेक्निक लग रही है, एक तरह भेजा है। हाँ सर, भेज दिया। रेड कलर का शर्ट पहनी हुई है लड़की। ओके, ये आपका ऊपर की तरफ ना, आप इसको इसमें जिगजैग रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, 2 टेक्निक आप मिक्स भी कर सकते हो,
ठीक है, इसमें क्या है ऊपर से हाईलाइट आ रहा है, देख रहे हो ना आप, ऊपर से हाईलाइट आ रहा है, ऊपर से आपका ऐसा लग रहा है कि ऊपर से हाईलाइटिंग करा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो मतलब एक भी सेक्शन थोड़ा नहीं हुआ, हर सेक्शन को हाईलाइट किया गया। बिल्कुल, आप एक सेक्शन को कर सकते हो बलियाज टेक्निक के साथ, दूसरा सेक्शन आप वेविंग के साथ कर सकते हो, तो ऐसे किया हुआ है अला टेक्निक। तो सर ये स्कैल्प से ही ब्लॉन्ड किया होगा, वो सॉफ्ट ब्लॉन्ड नहीं किया, स्कैल्प से ब्लॉन्ड कहाँ आपको नजर आ रहा है, उससे आपको नजर आ रहा है, देखो एक इंच डेढ़ इंच छोड़ के हो रहा है, स्कैल्प से नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब एक इंच डेढ़ इंच छोड़ के कोई भी ब्लॉन्डर से उसको पहले हाईलाइट किया एंड देन उसके बाद कलर। आप जैसे हाईलाइटिंग करते हो, हाईलाइटिंग कैसे करते हो आप, फॉली पेपर के साथ करते हो ना, स्कैल्प से तो नहीं टच करते, कभी हाईलाइटिंग किया आपने? नहीं सर, नहीं। जी सर, नहीं किया ना, जब भी आपको नहीं समझ आ रहा क्या है, किया आपने हाईलाइटिंग? क्या हुआ? ओके, तो आपको ऐसे ही करना है। मैं देख लिया, हाईलाइटिंग में आपको एक इंच छोड़ा हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये था, वो पूरा मतलब एक जैसे कि हम लोग कल जो हम लोग टेक्निक सीखे हाईलाइटिंग का या फिर बालियाज का, एक फॉइल को कलर किया थ्रेडिंग टेक्निक में या फिर ए टेक्निक या वी टेक्निक में, देन उसके बाद जो दूसरा सेक्शन जो ले रहे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं या फिर उसको भी कलर कर रहे हैं। हाँ, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक सेक्शन छोड़ा हुआ नहीं है, छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब आपने जो टेक्निक सेंड करी है मेरे को, कल हमने क्या किया था, एक सेक्शन हमने लिया, एक सेक्शन छोड़ा था, पर इन्होंने क्या किया, एक सेक्शन पे इन्होंने सरफेस या फिर जो भी इन्होंने टेक्निक किया, उसके बाद जो सेक्शन छोड़ा नहीं है इन्होंने क्या किया, वेव निकाल दिया, हाईलाइटिंग निकाल दिया, मतलब जैसे हाईलाइटिंग करते ना उस टाइप से करा इन्होंने। ठीक है, अच्छा, तो आप देखो, तो मतलब आप नीचे की तरफ देखो, बीच में कुछ कुछ छूटा हुआ। हाँ, नेचुरल हेयर देखो आपका बीच बीच में छूटा हुआ है, वो ज्यादा नहीं छूटा हुआ पर छूटा हुआ है ना, तो ऐसे ये टेक्निक कर सकते आप अगर आपको सेम करना। मैं कह रहा हूँ आपका सिर्फ यही दो रिपीट होता है और कुछ नहीं होएगा, ठीक है, हाईलाइटिंग और बलियाज टेक्निक, ये आप इसमें मिक्स करो या फिर आप सिंगल सिंगल करो। सर ये कितना नंबर कलर लग रहा है सर, ये ऐसा है जो किया हुआ येलो टोन दिख रहा है, ये आपका 10 लेवल तक लिफ्टिंग है, उसके बाद आप 9.02 से भी कर सकते हो उसको। अच्छा, डिपॉजिट ठीक है सर। और जो स्कैल्प के साथ कलर किया हुआ है नेचुरल हेयर नहीं, ये स्कैल्प पे कलर जो उन्होंने किया होगा ना, अब ऐसे नहीं बता सकते कि क्या किया होगा, क्या पता उनका नेचुरल भी हो सकता है। आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, ऐसा कर सकते हैं जो मुझे नजर आ रहा है, आप इसको अगर मैं करता तो आप सीधा कलर जब डिपॉजिट करते हो ना, आप सीधा कलर डिपॉजिट करो तो आपका बीसी चेंज हो जाएगा। आप 20 वॉल्यूम से डिपॉजिट करो 9.02 को, आपका खुद से ही बेस चेंज हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके सर, ओके, क्योंकि आपका एक लेवल लिफ्टिंग करता है 20 वॉल्यूम। ठीक है, चलिए आप सभी वीडियोस देखेंगे, 5 दिन आपके पास है, सभी वीडियोस देखेंगे या फिर ऐसे टाइम खराब करोगे 5 दिन ऐसे सभी देखने वाले बहुत सारा कुछ। यस सर, और किसी को भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, किसी को भी वीडियो ऐसे नहीं देखना है कि आपने आगे बढ़ा बढ़ा के देखा, पूरी वीडियोस को देखना है। हाँ बोलो सर, कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेरी वगैरह आगे कलर करते समय तो आपको कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप कॉल करो आप मुझे, ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो कॉल कर सकते हो, वरना आप मुझे व्हाट्सएप करें। और कभी भी आपको कुछ भी चीज डाउट होता है ना तो ग्रुप में डाल सकते हो, आपको किसी भी चीज का डाउट होता है ना, एक तो ना आप पहले पूरा डिटेल सेंड किया करो, अगर आप डिटेल सेंड करोगे तो मुझे ईजी रहता है। आप सीधा बोलते हो कि याला कलर करना है क्लाइंट को, तो मैं ये कैसे करूं, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कैसे करूं, डाई हेयर भी हो सकता है, मेहंदी हेयर भी हो सकता है, ठीक है, तो आप उनका पूरे हिस्ट्री बताओ पहले 5 साल का, कि क्लाइंट का इतने नंबर का हेयर है, हीना हेयर है या डाई हेयर है, कुछ भी बताओ, या वर्जन हेयर है, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको मुझे
को जो भी उनको शेड चाहिए उसका फोटो सेंड करना है, फिर ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको ये कैसे करना है और कौन सा नंबर यूज करना है, ठीक है? तो आप पूरा हिस्ट्री के साथ मुझे बताया करो। हाँ जी, और कुछ डाउट किसी का? सर आज काम करते करते आपके दो तीन वीडियो देखे, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। तो सर थोड़ा काम करते करते, हाँ सर, अपने ब्लूटूथ लगा कर काम करते करते सुन रहे थे वो। अच्छा अच्छा, बहुत मोटिवेटेड और ऐसा सुनने में अच्छा लग रहा था सर। नहीं, यही अपना अपना डिप्लोमा। अभी तो फेस दिखा दीजिए, अभी तो फेस दिखा दीजिए। ओके, मैंने आज देखे आपके वीडियो। चलो आज लास्ट क्लास है। सर फेस दिखा दीजिए, फेस। चलो फेस मैं दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है? सही है, एकदम सही है सर। आप तो शाहरुख लग रहे हो सर। बिना बात के सर, आप अभी मुंबई में हो कि किधर? मैं अभी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में? फरीदाबाद। दिल्ली सर कौन सी जगह? सर आप तो बहुत हैं, जब फरीदाबाद। सर आप प्रॉपर कहाँ से हो? प्रॉपर मैं यमुनानगर से हूँ सर। दिल्ली वगैरह? अब फरीदाबाद से कौन कौन है यहाँ पर, कोई है? सर आप ऑनलाइन क्लास ले रखिए, मास्टर क्लास 10 दिन का, हम जरूर आएंगे सर। सर आप यूट्यूब चैनल देखा है? सर जब भी ज्वाइन करेंगे तब सर ऑफलाइन यूट्यूब चैनल देखा, मतलब आपने मुझे पहले, आप ऐसी क्लास ज्वाइन कर रहे थे, आपको पता नहीं था कौन पढ़ा रहा है? हरियाणा यमुना नगर से आप? सर बिल्कुल, मैं हरियाणा यमुना नगर से हूँ। अच्छा, जब से इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टा स्क्रॉल करते करते ना सर आपके इंस्टाग्राम की आईडी दीजिए ना। इंस्टा आईडी का दिया है सर आपने? मैंने दिया हुआ है आपको, वैसे क्राफ्ट विला हेयर एजुकेशन के नाम से मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है सर? और अभी मैंने तो फॉलो किया है, कोई यहाँ पर है जिन्होंने मेरे को देखा ही नहीं है और कहा ज्वाइन कर रहा था, ऐसा है यहाँ पर कोई? सर मैंने नहीं देखा था, मैं आज देख लिया। इंस्टा पे भी नहीं देखा था आपने? सर नहीं, सबने देखा था आपने? अच्छा। सर मैंने देखा है आपको, यूट्यूब चैनल पे देखा है आपका। ओके, आप तो बहुत हैंडसम हो सर। ठीक है, मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है, ठीक है? दोनों जो इंस्टा का लिंक है, यूट्यूब का भी इसी में आपको मिल जाएगा। नहीं सर, मैं तो इंस्टाग्राम से आया था। अच्छा, आपने देखा ही नहीं? नहीं भाई, नहीं तो देख लो, कहीं मैं बीच में टकरूं तो पता तो चल जाए, ठीक है? तब स्क्रीनशॉट मत ले लेना। ले लिया होगा तो सर। चलिए, चलो मैं सामने आ ही जाता हूँ एक बार, ठीक है? आपको लेना है तो ले सकते हो सर। आप ऐसा, हाँ जी, रिपीट करो दोबारा से, क्या कह रहे हो? सर आपका फोटो सेंड कर दीजिए ग्रुप में, सबको मिल जाएगा फिर। मैं अभी थोड़ा अलग रहूंगा, ठीक है? थोड़ा नॉर्मल ड्रेस में रहता हूँ, क्लर्क यहाँ थोड़ा वीडियो के टाइम पे प्रोफेशनल में आ जाता हूँ मैं। रिपीट कर रहे हो? चले फिर क्लास।
सर मेरा डाउट नहीं क्लियर सर हुआ, सर आप सर आपने एक बात कहा, कौन सा डाउट नहीं क्लियर हुआ बताइए? बॉन्ड वाला बॉन्ड तो आधा चलो आपको बता ही देता हूँ मैं। इधर का भाई क्या पूछना आपको बॉन्ड्स में? हमारे जो बॉन्ड्स होता है हमारी तीन लेयर होती है। फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल लेयर जो आपको मैंने बताया हुआ है। सेकंड होती है कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स लेयर के अंदर हमारा बॉन्ड्स होते हैं एंड पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या है हमारा? रेड येलो एंड ब्लू। बॉन्ड्स हमारा क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को चेंज करते हैं, जैसे आपने बालों को गीला किया, जैसे आपके अभी बाल कैसे रहते हैं, आपके किसी का वेवी हेयर तो वेवी रहेगा, ठीक है? तो कभी आप बालों को गीला करते हो तो आपका क्या होता है, बालों का टेक्सचर ही चेंज होता हो जाता है। तो वो टेक्सचर चेंज क्यों होता है? जब आप स्मूथनिंग करते हो तो परमानेंट स्मूथनिंग क्यों हो जाती है? तो वो आप क्या करते हो, आप बोन्स के ऊपर काम करते हो। तो हमारा तीन बोन्स होते हैं, हाइड्रोजन सॉल्ट एंड डाइसल्फाइड बोन। तो ऊपर के जो दो बोन्स होते हैं हाइड्रोजन बोन्स और सॉल्ट बोन्स, ये हमारा टेम्परेरी बोन्स होते हैं। इसको हम टेम्परेरी बोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको तोड़ना बहुत आसान है। जितना तोड़ना आसान होता है उतना ही अपना आप ही जुड़ जाता है। तो कभी आप बालों को एक तरीके से आपने आपके बाल ड्राई है, आपका बाल वेवी है या कर्ली है, जैसे आप बालों को गीला करते हो तो आपका कर्ली बाल भी स्ट्रेट लगता है, ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अगर आप पानी के साथ भी तोड़ते हो, जब आप बालों के ऊपर पानी लगाते हो और हीट लगाते हो तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होता है वो आपका ब्रेक हो जाता है। आपने कभी टोंग किया करते हो आप, टोंग के साथ आप कर्ल्स करते हो तो वो आपका कर्ल्स परमानेंट रहता है, वो आपका टेम्परेरी ही रहता है। जब आप नॉर्मल आयरनिंग के साथ आप प्रेसिंग के साथ आप क्या करते हो, बालों को स्ट्रेट कर देते हो और जैसे क्लाइंट वॉश कर लेता है तो आपका जो क्लाइंट का हेयर होता है वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है ये हमारा वाटर और हीट से ब्रेक होता है। जब आप बालों को गीला करोगे तो आपका ये बॉन्ड जो होता है वो आपका ब्रेक हो जाता है। जब आप कटिंग करते हो तो आप क्या करते हो, बालों को पहले गीला करते हो ताकि आपकी ग्रिपिंग बनी रहे, आपका जो टेक्सचर है वो थोड़ा चेंज हो जाए, और हीट के साथ भी ये चेंज होता है। जब आप कर्ल्स करते हो या फिर आयनिंग करते हो टेम्परेरी तो भी ये चेंज हो जाता है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स है ये हमारा वाटर और हीट से ब्रेक होता है। दोबारा से रिपेयर कैसे होता है, बालों को ड्राई करो, सुखाओ बालों को, दोबारा से रिपेयर हो जाता है, दोबारा से आपका हेयर अपनी पोजिशन पर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्ट बोन। सॉल्ट बोन जो होता है ये भी हमारा टेम्परेरी बोन्स होता है। जब आप बालों पे एल्कलाइन वाला कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते हो, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जब आपका पीएच लेवल चेंज होता है तब जाके हमारा ये सॉल्ट बोन जो होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है? आपका जो अगर आपका पीएच लेवल एसिडिक है तो ये सही रहेगा। जैसे आपने एसिडिक से मतलब 4.5 टू 5.5 से आगे की तरफ गए, एल्कलाइन की तरफ गए, तो आपका सॉल्ट बोन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइसल्फाइड बोन। तो डाइसल्फाइड जो बोन्स होता है ये हमारा परमानेंट बोन्स होता है। इसको हम परमानेंट क्यों कहते हैं? कभी भी आप स्मूथनिंग करते हो, स्मूथनिंग के बाद आपका जो हेयर होता है वो परमानेंट स्ट्रेट रहता है। कभी भी आप पम्पिंग करते हो, पम्पिंग के टाइम में आपका हेयर जो होता है वो आपका कल्स में ही रहता है। तो कभी भी आप परमानेंट चीज कर रहे हो तो वो आपका डाइसल्फाइड बोन्स पे काम करता है। तो इसको हम परमानेंट बोन्स इसलिए कहते हैं, कभी भी हम इसको तोड़ते हैं ना तो वो परमानेंट ही टूटेगा, ठीक है? तो डाइसल्फाइड बोन्स को तोड़ने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए या फिर इस हमें रिलैक्सर क्रीम की जरूरत पड़ती है, जो होता है स्मूथनिंग की फर्स्ट क्रीम, इसको बोलते हैं रिलैक्सर क्रीम। जब आप बालों पे स्मूथनिंग की फर्स्ट क्रीम बालों पे लगाते हो उसके बाद आपने देखा होगा
आप बालों को खींच के देखते हो, ठीक है। अगर वो एक रबड़ की तरह खींच रहा है और उसके बाद उसके अंदर जिग जैक आ रहा है, तो समझ जाना आपका डाइसल्फाइड बोन्स है वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद आप क्या करते हो, आइनिंग करते हो, स्टेट ब्लू ट्रायल करते हो और लास्ट में लगाते हो आप नंबर टू। नंबर टू आपका क्या है, न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर का काम होता है आपका डाइसल्फाइड बोन्स को दोबारा से फिक्स कर देना, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्मूथनिंग की फर्स्ट क्रीम से पहले आपने डाइसल्फाइड बोन्स को ब्रेक किया, तोड़ दिया। उसके बाद आप आयनिंग करते हो, स्टेट ब्लो ड्राई करते हो, उसको एक शेप दे देते हो, लास्ट में जाके आप न्यूट्रलाइजर लगा के उसको वहीं पर ही फिक्स कर देते हो। जैसे मैं लोहे की बात करता हूँ, आप लोहे को अगर आपको उसका शेप चेंज करना है लोहे को, तो पहले आप क्या करते हो, उसको गर्म करके एकदम उसको पिघला देते हो। पिघलाने के बाद आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, ठीक है। और जब वो अपना नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसको आप जो भी बनाना चाहते हो वो बन जाता है। ऐसे ही हमारा डाइसल्फाइड बोन्स क्या होता है, पहले उसको आप ब्रेक करते हो, तो उसको आप हीट के साथ करते हो, जो रिलैक्सर होता है, एल्कलाइन एजेंट्स होता है, इसके साथ आप इसको तोड़ते हो। तोड़ने के बाद उसको आप आयनिंग के साथ शेप देते हो और लास्ट में न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद उसको फिक्स कर देते हो। तो बोन्स का आपका ये काम होता है, तीन बोन्स होते हैं, तीनों के अलग अलग काम होता है। तो अब क्लियर हो गया, बाकी डिप्लोमा में हम इसको और भी डीपली समझेंगे। सर हाँ जी, और कुछ डाउट? सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये टॉपिक से नहीं है लेकिन कलर से भी, कलर का भी टॉपिक से नहीं है सर। जैसे कि मैं बहुत बार देखा हूँ और सुना भी हूँ दूसरे दूसरे शॉप में हेयर ड्रेसर लोग क्या करते हैं ना, जब स्मूदिंग करते हैं तो जैसे स्मूदिंग क्यारा स्मूथ बोलते हैं उसको, वो लोग क्या करते हैं ना कि पहले स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई किया, फिर आयरन करने के बाद न्यूट्रलाइजर नहीं लगाते, कैरेटिन लगा देते हैं। मतलब ये कुछ समझ नहीं आता इस लॉजिक। देखो वो चीज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो चीज। वो क्या मैंने है आपको क्या बोला है? है क्या वो गलत है? मैं हर बार आपको क्या बोलता हूँ, आपको बालों को अगर हेल्थी रखना है ना, तो आपका क्या होगा, आपके बालों को पीएच लेवल आपको मेंटेन करते हुए चलना। वहां पर अगर आपने पहले ही इतना ज्यादा हीट दे दिया, आपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद आपने आयनिंग किया है, बालों को स्ट्रेट कर दिया, उसके बाद दोबारा से आप कैरेटिन लगा रहे हो, ठीक है। और कैरेटिन लगाने के बाद आपने उसको रखा जितना भी मिनट रखना है, फर्स्ट आपने क्या गलती की, आपने न्यूट्रलाइजर नहीं लगाया। न्यूट्रलाइजर क्या करता है, आपका डाइसल्फाइड बोन्स को दोबारा से जोड़ता है, ठीक है, आपने वो नहीं लगाया। और कैरेटिन करने के बाद, कैरेटिन भी एक हीट होती है, उसमें भी हीट होता है, ठीक है, ताकि जब भी तो वो आपका एक चिपक जाता है बालों पे। तो कैरेटिन लगाने के बाद आप वहां पर दोबारा से आयनिंग यूज कर रहे हो, कितना ज्यादा आप बालों को हीट दे रहे हो। तो अब आपका क्या होगा, जब बालों में से कैरेटिन निकलेगा 1 से 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद क्लाइंट का हेयर जो होता है ना, बहुत ज्यादा रफ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो वो ड्राइनेस बालों में बहुत ज्यादा आ जाती है अगर आप कैरेटिन और स्मूथनिंग एक साथ करते हो, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पर 2 महीने बाद बहुत बेकार रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आपको कैरेटिन और स्मूथनिंग को साथ में नहीं करना है, आप 2 दिन का गैप दे के कर सकते हो। सर मैं तो देखा हूं कि न्यूट्रलाइजर भी करने हो तो कर सकते हो, आप पूरा प्रोसीजर करो पहले। सर हेलो सर, ओके, नहीं न्यूट्रलाइजर ही नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट कैरेटिन अप्लाई कर देते, बोलते कि हो गया, न्यूट्रलाइजर लगाना ही नहीं, तो ये गलत है ना सर वो। जैसे कि मुझे केरा स्मूथ के बारे में जो पता है सर। हाँ बोलो। तो सर सबसे पहले तो शैम्पू करना है क्लाइंट का, शैम्पू करने के बाद सर 100% ड्राई करके फिर रिलैक्सर क्रीम अप्लाई करना चाहिए, ओके। रिलैक्सर क्रीम अप्लाई करने के बाद सर फिर उसको वॉश करेंगे ओनली नॉर्मल पानी से, होम वाटर से, है ना सर। देखो इसका ना हर एक चीज का अलग एक मतलब थ्योरी होता है। आपने कहा कि 100% बालों को ड्राई करना है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कि आपको हर एक बालों को ही ड्राई करना। हाँ सर वो तो है सर, ठीक है, और हर एक बालों के अकॉर्डिंग आयनिंग का जो टेम्परेचर होता है वो भी आपका अलग रहता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है आपका
जो आपका रीग्रोथ होती है ना, जो आपने पहले स्मूथनिंग करा हुआ है उसको रीग्रोथ पे आपका बिल्कुल ही अलग प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो भी आपका अलग अलग प्रोसीजर रहता है। बाकी आप कह रहे हो कि हाँ ऐसे करना है, पहले आपको बालों को शैम्पू करना है, बालों को ड्राई करना है, एप्लीकेशन करो रिलैक्सर क्रीम की, जब आपका बोन्स ब्रेक हो जाएगा उस पर आप मास्क लगाओ, ठीक है, सीरम लगाओ, बालों को ड्राई करो, उसके बाद आपको आइनिंग करनी है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, और लास्ट में आपको न्यूट्रलाइजर लगा के लास्ट में दोबारा से मास्क लगा के आपका यही प्रोसीजर होता है स्मूथनिंग। वो तो सर स्ट्रेटनिंग का होना सर, स्मूथनिंग का आप फिर कौन सा चाहते हो, क्या कह रहा जो केरा स्मूथ का जो बात बोला सर उसका बात बता रहा हूँ मैं। केरा स्मूथ नहीं करना है, करना ही नहीं है वो। आप पहले स्मूथनिंग करो, दो दिन बाद केराटिन करो, या फिर आप 10 दिन बाद केराटिन। नहीं सर, जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है ना कि उसको केरा स्मूथ चाहिए, तो सर करना पड़ जाता है ना। तो करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे कर सकते हो, पहले स्मूथनिंग कम्प्लीट उसके बाद केराटिन। तो इसमें तो सर कॉस्ट, जैसे कि हम लोग का प्रोडक्ट खर्चा तो ज्यादा हो जाएगा ना सर। हाँ तो वो चीज तो रहेगा ना, पर आपका सही वे यही रहेगा। जैसे कि सर सर स्मूथनिंग में रिलैक्सिंग क्रीम के बाद रिंस ऑफ करना जरूरी नहीं है क्या? रिंस तो करना ही है, मैंने बोला तो आपको रिंस करना है सर, लेकिन मास्क लगाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वो तो मास्क लगाना, आपको पीएच लेवल मेंटेन करना। वेला का जो ट्रेनिंग है वहाँ पे कहा था कि जो ट्रेनर ने कहा था कि आप मास्क मत लगाना वहाँ पे ड्राई करके, आप देखो सबका अलग अलग वे होता है, ठीक है, सबका अलग होता है, हो सकता है वो भी गलत ना हो, पर मेरा ये है कि मैं पीएच लेवल को मेंटेन करते ही चलता हूँ सर। मान लीजिएगा मान लीजिएगा सर, वेला का जो फर्स्ट क्रीम है वो अप्लाई कर दिया, रिलैक्सर जो रिंस ऑफ कर दिया, उसके बाद हम लोग मास्क लगा दिया, तो स्पा वाला मास्क चलेगा या और कोई दूसरा वाला? स्पा वाला ही मास्क, वही वाला स्पा वाला मास्क। कितने टाइम तक रखना चाहिए सर? 10 मिनट तक सर। इतने सारी उम्मीद है ना, कोई कोई कहता है कि जब रिलैक्सर जब रिलीज अप करना चाहिए वहां पे थोड़ा सा वार्म पानी, ज्यादा वार्म नहीं है, वो भी कर सकते करना। हाँ जी, वो अच्छा साइन देता है अभी। हाँ जी, उससे बोन्स आपका साइन नहीं, उसको हम ये बोल सकते हैं कि आपका बोन्स को प्रॉपर ब्रेक कर देता है वो। ओके ओके सर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रहता है, इवन नहीं होता। तो जैसे आप ब्लॉन्डर के बाद मैंने आपको क्या बोला है कि आपको मल्सिफाई करना है, तो वो मल्सिफाई वो मैंने क्यों बोला है, ताकि वो इवन रिजल्ट है, आपका लिफ्टिंग प्रॉपर अच्छे से मिले, तो वहां भी आपका सिर्फ वही काम करता है वो। सर डिप्लोमा में ये सब सारी चीज हम लोग जान पाएंगे डीपली आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको एक एक चीज को डीपली मिलेगा। मैं तो डिप्लोमा हाँ बिल्कुल आपको मिलेगा आपको सीखने। ओके ओके थैंक यू सर, चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहा था? डिप्लोमा क्लास, डिप्लोमा की क्लास जो है वो पर डे नहीं होगी क्या सर? उसकी क्लास ना हमारी वीक में 3 दिन या 4 दिन रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक रहेगा ऐसे रहेगा जैसे हमने आज एक हफ्ते में किया हमने पूरा स्मूथनिंग और कैरेटिन, ठीक है। तो एक हफ्ते हम सीखेंगे स्मूथनिंग और कैरेटिन, और सीधा डेमो वैसे होता है, मॉडल के ऊपर होता है, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको शेयर की जाते हैं प्रॉपर, उसमें एक एक स्टेप रहता है। फिर अगली बार जो करेंगे उसमें हम जैसे हेयर फॉल ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, तो ये सब आपका कवर होएगा। फिर अगली बार हमारा हेयर कट्स आ सकता है, तो ऐसे ऐसे हर हफ्ते हमारा अलग अलग टॉपिक रहता है। ये हमारा बस कलर का खत्म होते ही, आपका जो कलर का क्लास है वो 2 से 3 दिन का रहेगा, उसके बाद आपका कंप्लीट। मेरा तो डिप्लोमा क्लास चल रहा है ना, मेरा तो डिप्लोमा क्लास में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसके बाद आपका सीधा क्लास स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। सर क्लास का टाइमिंग, डिप्लोमा क्लास का टाइमिंग क्यों रहेगा? तो 10 का ही रखिए, 8 का मत रखिए सर, क्योंकि सैलून से आने के सर टाइम हो जाता है, क्लाइंट रहते हैं सर। हाँ सर 10 का रखिए, चलो वो हम देखेंगे, वो ज्वाइन करने में सुविधा होगा सर। ठीक है ठीक है, ओके फिर क्लास को ओवर करते हैं हम। बाकी आप 5 दिन का टाइम है आपके पास, इसको वेस्ट मत करना, एक चीज के पीछे पड़े ना, एक चीज के पीछे पड़ो, ठीक है। तो पूरा कलर को अच्छे से पी जाना, ठीक है, 4-5 दिन के अंदर अंदर सारी वीडियोस को देखना। बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।